Hello everyone i hope you guys are doing well welcome to my channel again this video is about sebi legal exam which is expected to be held in august and september now sebi has come out with opportunities in its legal stream and a lot of vacancies have come in the exam for this exam now this is limited to only law students and that is the advantage so if you're a law student i would recommend that you should be writing this exam even if you're not serious with course, without course, doesn't matter. Just get an experience of the exam because SEBI does a lot of things which have complex legal implications and therefore their legal team gets a lot of exposure as well. So, this should be a good step up in your life, in your career, in your professional area. And I would recommend all the students who are lawyers to be writing this exam. Now, a course has been launched uh, in coordination with Ayushi Ma'am. She has her own channel.

दीज आर द फोर थिंग्स दैट आर टू बी आस्ड इन फेज वन पेपर वन पेपर वन होगा और पेपर टू होगा फेज वन में इन पेपर वन यू विल बी गेटिंग फ्रॉम क्वान्टीजनिंग इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस अब क्वान्ट रीजनिंग इंग्लिश इन तीनों का लेवल एवरेज होता है इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इट्स नॉट वेरी ईजी एज वेल बट बिकॉज एज अ लॉयर यू मस्ट नॉट बी वेरी वेल वर्स्ड विद दीज सब्जेक्ट एटलीस्ट क्वॉन्ट एंड रीजनिंग आई इसको थरली प्रिपेयर करो फॉर क्रिएटेड जिसमें सारे विडियोज हैं <coughs> so well. so आपको कवर करना चाहिए uh, you know, तो बनाए हैं नंबर वन देर इज अज फोल्डर जिसमें

इंडिया में कौन कौन से रिवर्स हैं कहाँ पर हैं डैम्स कौन से हैं कहाँ पर हैं बैंकिंग रिलेटेड हेड क्वार्टर्स कौन कौन से हैं लीगल रिलेटेड जो भी स्टैटिक जनरल अवेयरनेस है हैजेंट चेंज दैट इज ऑल्सो टू बी कवर्ड ज्यादा नहीं है ओनली फोर्टी लेसन सो दैट यू कैन एटलीस्ट कवर इट इन टाइम एंड देन यू हैव एनुअल सर्वेज जिसमें कि लेटेस्ट सर्वे जो होते हैं वो आ जाते हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे बजट सेंसस ट्वेंटी इलेवन विच द लास्ट सेंसस फैमिली हेल्थ सर्वे

एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जूरी स्प्रूडेंसी सब आता है यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट इन द टाइम आपके पास एक महीना है यू शुड बी एबल रिवाइज इट वेल इन गिवन टाइम एंड दिस इज वॉट दिस फोल्डर इज वो डू अभी इसमें टोटल फाइव चैप्टर्स आईरेडी अपलोडेड ट्वेंटी लेसन इनक्स्ट टू थ्री डेज पूरा जितना भी सेमी लीगल का सिलेबस है फेज वन एज वेल एज फेज टू वो सारा यहाँ पी डी एफ फॉर्मेट में मैं डाल दूंगा ओके आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग टेस्ट फॉर बोथ फेज वन एंड फेज टू पेपर वन के अलग पेपर टू के अलग अब अगर फेज टू में आए तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इज वन एरिया जहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो डू वेरी बैडली सो यू शुड नो वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू वैन इट कम्स टू एस ए राइटिंग आर सी राइटिंग प्रेसी राइटिंग फॉर दैट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लाइव इसका एक फोल्डर बनाया है जिसमें मेरी लाइव क्लासेज कुछ ऑलरेडी हो चुकी हैं दोज यू कैन एक्सेस जितनी रेलिवेंट वो लाइव थी उतनी रेलिवेंट अभी भी हैं रिसेंटली की गई हैं उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्ट डालूंगा मैं जो आप टेस्ट कंडक्ट टेस्ट करोगे उसको लाइव हम लोग इवेल्युएट भी कर सकते हैं बाद में इवेल्युएट करके भी देंगे आपको सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने कहाँ पे सही लिखा है कहाँ पे गलत लिखा है दैट्स एंटायर आइडिया ऑफ दिस ऑफ डूइंग दिस ओके सो दिस इज द एंटायर कोर्स बहुत ज्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन uh, ओवरलोड नहीं करना चाहता सो दैट्स वाई मिनिमम फोल्डर्स आपको इतना ही पढ़ना है इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है सेबी के लिए लीगल के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यू नो स्टार्ट वॉचिंग विडियोज बिकॉज यू ऑलरेडी डन दैट यू नीड टू जस्ट रिवाइज इट वंस अगैंड इसीलिए कोर्स को सस्ता भी रखा है आफ्टर डिस्काउंट इट इज अवेलेबल फॉर फोर ट्रिपल नाइन यू कैन वेरी वेल टेक द कोर्स इसमें टेस्ट भी डाले हैं फेज वन के भी फेज टू के भी और इसमें पूरा पी डी एफ में सेबी लीगल कवर्ड है एंड अदर देन अदर देन से लीगल लीगल से अलग जो भी आपकी वीकनेसेज होंगी कॉन्ट रीजनिंग ऑफकोर्स यू विल नॉट बी वेरी गुड एट दोज अनलेस यू प्रिपेयर फॉर समथिंग लाइक कैट यू कैन वेरी वेल यूज द वीडियोज हेयर टू प्रिपेयर वेल फॉर दो ठीक है ना सो यू कैन गो टू द वेबसाइट अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा लेट मी जस्ट शो इट टू यू मैं यहाँ से वेबसाइट पे जाता हूँ एंड एट द टॉप यू कैन सी हेयर कोर्सेज सेबी एंड हेयर यू विल सी सेबी लीगल ठीक है ना सेमी लीगल पे जाओगे यू कैन सी फिफ्टी परसेंट ऑफ इज रनिंग द कोर्ड इज अचीवर फिफ्टी इट इज मैं एंड इफ यू गो डाउन यू विल सी ओनली वन कोर्स को ट्रिपल नाइन का कोर्स है ये ऑफिसर uh, फिफ्टी यहाँ पे डिस्काउंट लग रहा है ऑफिसर फिफ्टी अचीवर फिफ्टी बोथ ऑफ देम शुड वर्क एंड यू कैन यूज दिस कोर्ड यू गेट द डिस्काउंट एंड टू एनरोल इमीडिएटली ठीक है ना आप कहीं से टेस्ट लोगे कहीं से कोर्स लोगे अल्टीमेटली वो सात आठ हज़ार का पड़ेगा बट आई वॉन्टेड कि हम वो चीज़ दें सो दैट यू कैन एक्चुअली यूज इट एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम लीगल के लिए आपको फिर से स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट सो दैट यू लीगल पार्ट एंड देन मेक श्योर कि जो आपका कॉन रीजनिंग है उसमें कम नंबर ना आ रहे हैं ओके दैट्स वाई टेकिंग टेस्ट इन क्वॉन्टेंट रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट साइमल्टेनियसली मेकिंग श्योर की आपका लीगल एरिया स्ट्रांग है उसके लिए मल्टीपल टाइम्स रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अपनी दुखियों को यूज करिए यू यू मोस्ट मस्ट ऑलरेडी हैव उसमें मार्क कर रखा होगा ऑलरेडी एग्जाम के टाइम पे जो पढ़ी होंगी साइमल्टेनियसली जो यहाँ पे मैम पीडीएफ देंगी उन पीडीएफ्स को यूज करके भी यू कैन वेरी वेल रिवाइज साइमल्टेनियसली ठीक है इफ़ यू यू हैव एनी डाउट्स कैन रीच आउट टू मी वेबसाइट मैंने दिखा दिया आपको कॉन्टैक्ट नंबर सबसे ऊपर पड़ा हुआ है डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव यू कैन ऑल्सो इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो वहां से भी मैं उठा के आपको डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू आयुषी uh, मैम uh, जो कि लॉ डाइजेस्ट करके उनका एक चैनल है यूट्यूब पे देज अर ओन वेबसाइट ऑल्सो लॉ डाइजेस्ट वहाँ पे जाके भी आप पूछ सकते हो मैडम से जो भी आपके डाउट्स हों बिकॉज शी विल बी हैंडलिंग दर लीगल पार्ट बिकॉज शी इज अ लॉयर शी इज एन एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस बिन डूइंग इट फॉर अ वाई तो उनको आइडिया है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह से तैयारी करनी ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट का टेक केयर बाय बाय जय हिंद